आज हम बात करते हैं वॉलीबॉल का मैदान बनाने के लिए। अगर हमें किसी भी खेल का मैदान बनाना होता है, कोर्ट बनाना होता है, तो सर्वप्रथम हमें आवश्यकता पड़ती है मीजरमेंट की। मीजरमेंट का मतलब है कि उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो वॉलीबॉल की यदि मैदान की मैं बात करूं तो मैदान की लंबाई होती है 18 मीटर, लंबाई होती है 18 मीटर और चौड़ाई होती है 9 मीटर। तो हमें 9 मीटर बाय 18 मीटर का एक मैदान बनाना है, एक कोर्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये मीजरमेंट और ये कोर तैयार करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको तैयार करना भी सिखलाऊंगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। इसका एक विकर्ण होता है जो 20.125 मीटर होता है। आइए अब हम बात करते हैं किसी मैदान को बनाने के लिए। सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, यदि हम किसी खेल मैदान को बना रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में रखने वाली बात ये होती है कि हमें जिस ओर मैदान चाहिए होता है, सर्वप्रथम लंबाई वाली जो रेखा है उस ओर हम उसको खींच लेते हैं। ए बी इस बिंदु का नाम है। ये एक फीते की मदद से हम 18 मीटर का एक एक 18 मीटर की लाइन खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं लंबाई, उस मैदान की लंबाई जिस ओर हमको चाहिए होता है। सर्वप्रथम काम ये करना होता है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे। इस बी पॉइंट से हमें चौड़ाई हमारी 9 मीटर है, तो 9 मीटर का एक हमें चाप काटना होगा। किसकी मदद से? मेजरिंग टेप की मदद से, नापने वाला जो फीता आता है उसकी मदद से हम बी पॉइंट में रख करके 9 मीटर का एक चाप काट लेंगे। अब 9 मीटर का एक चाप काट लेंगे। चाप काटने के बाद हमें यहां पर समकोण बनाना आवश्यक होता है। समकोण इसलिए बनाया जाता है ताकि मैदान जो है सीधा बने, है ना। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना है हमने। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यदि हमें याद है, हमें दिमाग में है, तो हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो इस फॉर्मूले से हम उसका कर्ण आसानी से निकाल लेंगे। 18 का वर्ग धन 9 का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ए और सी का वर्ग, ये पॉइंट हमारा सी निकल करके आएगा, ए सी का वर्ग। तो 18 का वर्ग होता है 324, धन 9 का वर्ग होता है 81 बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 405। 405 ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 405। अब 405 का अंडर रूट यदि हम निकालते हैं तो ये निकल करके आता है 20.125 मीटर, यानी कि हमारा कर्ण की लंबाई निकल करके आ गई 20.125 मीटर। अब बहुत आसान हो गया बच्चों, ए पॉइंट से मेजरिंग टेप की सहायता से 20.125 का एक चाप काट लेंगे जो इसको काटेगा। अब ये जो बिंदु कट रहा है सी बिंदु, इस बिंदु को बी बिंदु से मिला देंगे तो ये हमारा लंबाई यानी कि चौड़ाई 9 मीटर निकल करके आ जाएगी, 9 मीटर, क्योंकि हमने 9 मीटर का चाप काटा था। अब बहुत आसान हो गया है, इस बिंदु को यहां मिला देंगे सी से। इसकी जो लंबाई थी वो थी 20.125 मीटर, कर्ण था 20.125 मीटर। अब वॉलीबॉल का जो मैदान है बच्चों लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि उसका एक त्रिभुज हमने बना लिया है। अब दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ए पॉइंट से मेजरिंग टेप को रखते हुए 9 मीटर का एक चाप काट लेंगे। अब इस बी बिंदु से 20.125 मीटर का एक चाप मेजरिंग टेप की सहायता से काट लेंगे, यहां से रख करके ऐसे काट लेंगे। इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो ये 9 मीटर निकल करके आएगा, ये 18 मीटर निकल करके आएगा। इसको अगर नापेंगे हम तो ये भी हमारा निकलेगा 20.125 मीटर। बहुत आसान हो गया बच्चों। अभी हमारा सेंटर पॉइंट निकल करके आ गया है। सेंटर पॉइंट ये ठीक यहां से 9 मीटर पर होगा, इसको हम नाप भी सकते हैं 9 मीटर, इसको भी मिला देंगे 9 मीटर।
तो इसकी जो लंबाई होगी बच्चों यहां से एक कोर्ड की यदि मैं बात करूं तो 9 मीटर, इस कोर्ड की बात करूं तो ये भी 9 मीटर, यहां से यहां तक 9 मीटर, ये तो 9 मीटर था ही ऑलरेडी। तो इसको आसानी से बनाने का एक तरीका और हो सकता है कि हम 9 मीटर बाई 9 मीटर का एक वर्ग यहां बना लें, 9 मीटर बाई 9 मीटर का एक वर्ग यहां पर बना लें, बहुत आसान हो गया। अभी देखिए ये तो सर्विस एरिया है, सर्विस लाइन है। अभी हमें क्या करना होता है, वॉलीबॉल का यदि हम मैदान बना रहे हैं तो दो हमारे अटैकिंग जोन होते हैं बच्चों, इसको कहते हैं अटैकिंग जोन। तो अटैक लाइन होती है हमारी 3 मीटर पर, इसको आसानी से बना, यहां पर से नापेंगे फीता 3 मीटर, यहां से नापेंगे फीता 3 मीटर, लाइन खींच देंगे। सेम इधर को भी यहां से नापेंगे इधर 3 मीटर, यहां से इधर 3 मीटर, लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा अटैकिंग जोन हो जाएगा, अटैकिंग जोन, ये अटैक लाइन, ये डिफेंस लाइन, डिफेंसिव एरिया, अटैकिंग एरिया। तो ये हमारा टोटल जो वॉलीबॉल का मैदान है जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है, उसका कोर्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। धन्यवाद।